के बाद स्वागत है आपका। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपावत सोरेन ने वीर दिशोम अभियान पर एक दिवसीय कार्यशाला का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया और मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। और हम इसलिए इस व्यवस्था को लाना पड़ा है, हमको याद है कुल्हानपुराहट में बहुत आंदोलन होते थे, और वो आंदोलन के जो साथीगण थे उनके बदन में कपड़ा नहीं था, तीर धनुष तो जरूर था, और उसी कुल्हान का धरती से ही झारखंड आंदोलन भी उभर गया। कि हम इस जंगल के बीच के गांव को हमको बचाना है, इसको राजस्व गांव को बनाना है। बहुत जब आंदोलन हुआ उस समय हम भी आंदोलन में प्रवेश किया था। 1980 में बहुत बड़ा गोलीकांड भी हो गया, गोवा गोलीकांड। पूरा कुल्हान एक दहशत हो गया है, पूरा मिलिट्री भर गया है, तीर धनुष पर प्रतिबंध लग गया, उन दादी सा गया है, कोई आदिवासी तीर धनुष नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन चुनौती दे दिया उस जंगल का आदिवासी भाइयों कि हम चाईवासा धरती पर उमुक दिन को आएंगे और तीर धनुष लेके आएंगे, कोई रुकता है तो रोक दीजिए, इस जंगल में हमारा अधिकार है और इस गांव में हमको किसी तरह का हमका रसा भेदभाव मत करो। और तीर धनुष लेके लाखों के संख्या जंगल में आया, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, उस समय संज्ञान में लिया कि आदिवासी सही आज आवाज उठाता जंगल से, और उसका नेतृत्व दिशम को शिवसेन किया कि आप ऑर्डिनेंस जो जारी किया है तीर धनुष पर ये वापस लो। इस लड़ाई हुआ था, ये कुल्हान का धरती से हुआ था, पोड़हाट का धरती से, तब भारत सरकार उस अंगन में ले लिया कि क्या है, तब जाके उतना दिन लड़ते लड़ते 2026 से 2006 तक में ये अधिकार मिला है। ये हम इतिहास इसीलिए आप लोग को बता रहे हैं कि ये किस तरह से आज इस व्यवस्था आया। आंदोलन में किसी का शरीर में नहीं था, खुला बदन था, लाखों परिवार, और पैदल आया, उस तरह से आज इस बात को, इसीलिए आज इस जो हम लोग आज का दिन जो इस विषय पे हम लोग गोष्ठी कर रहे थे, हमको बड़ा खुशी लगा कि आज जी जगह में हम लोग आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इसको अभियान के रूप पर। अभियान का नाम क्या दिया है, अबुआ वीर अबुआ दिशोम। इसलिए इसको हल्का में नहीं लेना ही अभियान। हम लोग एक डिसमिल दो डिसमिल चार डिसमिल के लिए किसी को पट्टा देने के लिए आयोजन नहीं है। जो आप लोग कभी नहीं किया होगा, थलकोबाद किरीबुरु माई से फिर 50 किलोमीटर दूर में है थलकोबाद, वहां भी बस करता है किरीबुरु गुआ, इतना पेड़ पौधा था। आप यदि रास्ता में जाइएगा तो आपको जितना ही आप ये धूप रहेगा आपको धूप नहीं रहेगा, उतना बड़ा फसल का पेड़ था, एक अलग ही वहां का देखने को समझने को आपको मौका मिलता।
रोशनी नहीं मिलेगा, धूप में नहीं मिलेगा। उतना घना जंगल था। जिस समय इस आंदोलन समय हम भी उस जगह जाने को मौका मिला था, उस जगह से आंदोलन हुआ है ये। इसीलिए इस धरती से, झारखंड धरती से बहुत सा इतिहास भूगोल है। जिस समाज का हम लोग बात करते हैं, उन सभी जनजाति के अलग ही इनका इतिहास है, अलग ही अपना परंपरा है। आज भी पूरे पूरा इस झारखंड में यदि जंगल भी बचा हुआ है तो ग्राम कमेटी जो बना है, ग्राम कमेटी अपना हर क्षेत्र का अपना जंगल को बचाने का काम करते हैं। इसीलिए हम लोग इस व्यवस्था आने के बाद भी हम लोग जरूर कुछ पीछे है, लेकिन आप पीछे नहीं होगा। ये बड़ा सोच समझ के अभियान को हम लोग आयोजन करने जा रहे हैं। इसीलिए इस कार्यशाला में हम लोग डीसी का उपायुक्त तो बुलाया है कि आज एक दायित्व तो है, एक जिला के अंतर्गत में डीओपी के साथ मिल के हर को पता देने का काम करें। जिसका जितना अधिकार है, जितना में अपना खेत खलियान बना के बैठा, घर बना के बैठा, उसको सब चीज उसको अगर 3 हेक्टेयर है तो 3 हेक्टेयर ही देना है। उस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। उस समय का आप लोग इतिहास जानने का, उस समय का आंदोलन का आप लोग इतिहास जानने का सुनेगा तो कम से कम 3000 से भी ज्यादा मुकदमा खाली कोल्हान पोहाट में दर्ज हुआ था, फिर भी पीछे नहीं आया, हटा। 3000 से ज्यादा परिवार को एफआईआर हो गया था। 80 में गोलीकांड होने के बाद 8 क्रॉस में तक चला था। बहुत पढ़ा लिखा था, ऐसा कोई बात नहीं थे, अधिकार था कि हम यहाँ जंगल में बस गया है, हम यहाँ पर खेत कल्याण भी बना दिया, हमारा धान भी उपजाऊ करते हैं, रोबी कृषि भी उपजाऊ करते हैं और अपने जीवन जपन करते हैं, और यहाँ का फल है, जंगल में बहुत सा फल खाने को है, वो सारा चीज अपने आराम से जिंदगी बिताते हैं। कभी किसी का देख के उसका मन में किसी तरह का तकलीफ नहीं होता था। इतना सरल है आदिवासी, मैं जंगल में वास करने वाला। लेकिन अपना परंपरा, अपना अस्मिता को बचाने के लिए कभी भी की पीछे नहीं हटता है। ये तो हम लोग इसको लागू करना है, उस व्यवस्था को। ये बहुत सा यह आवेदन क्यों रद्द हुआ है, हजार हजार आवेदन रद्द हुआ है, क्यों रद्द हुआ, किस ढंग का देखा, इसका जवाब भी देना होगा जो रद्द किया है। आज बड़ा जिम्मेवार के साथ हम कहते हैं इसको अभियान को सफल करना है, रद्द क्यों हुआ उसका भी जवाब देना होगा। क्यों इस तरह का सरल आदिवासी जंगल में वास करने के साथ क्यों इस तरह से आप सौतेलापन व्यवहार कर, उसका अधिकार है, हमको देना है। कितना एकड़ है, कितना है हेक्टर है, ये आज से लड़ाई नहीं हुआ। बोलो कभी ना है कि हमको अच्छा जगह में लेके जाओ, ये वो जहां पर कहलाते हैं हम, यहीं पर हमको रहने के लिए अधिकार दिया जाए। वो सराना जंगल इंडिया, इस एशिया महादेश के अंदर सबसे बड़ा इलाका है,
जगह से इस बात को उठा है, भारत सरकार इसको संकल्प लेने का काम किया था और उसका प्रदर्शन को देख के लास्ट में जो प्रतिबंध लग गया था तीर धनुष के बाद में हटना पड़ा। इसीलिए आज का कार्यशाला बहुत महत्वपूर्ण, हम जानते हैं यहाँ उड़ीसा से भी आए हैं, छत्तीसगढ़ से आए हैं, बहुत अच्छा लगा हुआ है हम लोग का छत्तीसगढ़। गुमला पार होने के बाद छत्तीसगढ़ आते हैं, किरीबुरु आप पहुंच गया, जामदा पहुंच गया, 1 किलोमीटर नहीं जाएगा वहां पर उड़ीसा लगा हुआ है। इतना सुंदर है इस इलाका में, उसी इलाके में आदिवासी लोग रहता है, राहुल किला सुंदरगढ़ से लेके अभी नया नया कलिंगा नगर बना है उड़ीसा में, वहां से मयूरभंज तक अभी भी जंगल के बीच में सब लोग है। यहाँ गुमला पार कर दिया, 1 किलोमीटर नहीं है नाला है, उस पार में छत्तीसगढ़ है, यहाँ भी जंगल इलाका है। हमारा छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधि भी यहाँ पर आया है, उड़ीसा से भी आया है, जिस धरती से पूरा देश विश्व में अपना नाम छाती ठोक रहा है, उसी धरती का आदिवासी है कोलान पोड़ाहाट, जहां से आर्यन और देश विदेश तक परिचय हो। वही इलाका है जो किरीबुरु के बाद उदय उड़ीसा पड़ेगा, वहां भी आयरन हो रहा है, वहां भी आदिवासी लोग बड़ा सदस्य रहता है। जहां का आयरन से देश और विश्व में नाम हो जाता है, यहाँ का बड़ा बड़ा उद्योगपति लोग, लेकिन वहां पर इसी तरह जहां उसी तरह अभी भी है, थोलकोबाद में उसी तरह है, जंगल में गांव में बसा हुआ लोग वहीं पर है। वहां से लेके यहाँ सिमडी का मनोहरपुर, वहां से सीधा गुमला आ जाए, पहाड़ लगा हुआ एक लाइन से पड़ा, संतन परगना भी उसी तरह का है। इसीलिए जो भी उड़ीसा से आया प्रतिनिधि, छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधि, आज अलग राज होने के बाद लंबा समय तक हम लोग दिखा है, एक साथ छत्तीसगढ़ के साथ हम लोग अलग हुआ था, हमने विकास का आकलन नहीं करेंगे कौन क्षेत्र कौन राज कितना आ गया, छत्तीसगढ़ बहुत आगे बढ़ गया कि झारखंड बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन यहाँ का बुनियादी सा जो सवाल है आदिवासी के साथ, ये बहुत हमने इसीलिए संक्षिप्त बड़ा लंबा इतिहास के बाद आप लोग को याद कर दिया, 400-500 साल से यहाँ का लड़ाई लड़ा है यहाँ का पूर्वजों ने, अपना परंपरा अपना जो ट्रेडिशनल है परंपरा है उसी के लिए, किसी देश के प्रभावित नहीं हुआ, जो अपना है वही अपना के चल रहा है। इस राज के साथ दुर्भाग्य कभी कभी नया नया चीज भी आने का, ये शेड्यूल एरिया भी कुछ क्षेत्र पर जो यहाँ पर लैंड बैंक का भी बात आ गया सामने, जो आदिवासी का साथ बड़ा धोखा होने जा रहा है। जिनका परंपरा के लिए हम उगलाती करते हैं, उसका बीच में लैंड बैंक के नाम पे भी यहाँ पर है, फिर आदिवासी के साथ उनका परंपरा के साथ फिर धोखा होने जा रहा है। इसीलिए जो भी आज उपस्थित है उपायुक्त, सभी जिला के आर डीओ विभाग के सभी विभाग के
ये अनवान ने भी हम लोग इस तरह से चलाएंगे, बड़ा सरल बना देंगे हम लोग, जो वर्षों से जो है उनको दूर रखा गया है पट्टा लेने में, हम लोग ऐसा व्यवस्था ऐसा अभियान चलाएंगे ताकि उसको हम लोग पट्टा देने में एक डेढ़ महीना में हम लोग सफल हो जाए। किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो ग्राम सभा को हमको मानना था, ग्राम सभा से जो बात आएगा उसको मानना है और उसको हम लोग सीमांकित कर देना है और उसी हिसाब से उसका पट्टा देना है, कितना का है, एक एकड़ का है कि दो एकड़ का है कि एक हेक्टर का है, उनका साथ हम लोग धोखाबाजी आप नहीं करेंगे। मेरा पूरा विश्वास है आज का कार्यशाला से हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे। आज जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, इसमें हम लोग इस राज का दशा दिशा तय कर हम लोग कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। ये सब जिम्मेवार सब हम ही लोग ऊपर है, यहाँ का दशा दिशा हम लोग तय कर सकता है। संजय संजय उपाध्याय ने बड़ा अपना प्रयास किया है कि वो कि ये होना चाहिए, इस तरह से प्रावधान है और सभी हम लोग उस प्रावधान से वाकिफ है। इच्छा शक्ति लाना जरूरी है, काम का इच्छा शक्ति लाना है कि हम पट्टा देंगे, यही सब का पर है। बड़ा खुशी है आज हम जो वर्षों से हम लोग इसको चर्चा करते हैं, लेकिन आज हम लोग ये जो पाठशाला, हम लोग पाठशाला में कोई गांव से नहीं आया है, आज का पाठशाला में सब दायित्व हम लोग जिम्मेवार दायित्व लेने वाला सब है। हम उम्मीद करेंगे छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधि भी आप लोग अच्छा, और उड़ीसा के प्रतिनिधि से हम लोग झारखंड का स्वप्न में हम लोग बहुत काफी समय लगा है, भी शुरुआत किया है, बहुत उतार चढ़ाव हुआ है। थोड़ा बहुत हम भी रखते हैं जान के उड़ीसा का क्या स्थिति है, उस क्षेत्र का आदिवासी बोल क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि वहां का आदिवासी बोल क्षेत्र में क्या स्थिति है। आप वन में रहने वाला और हमारा समुदाय भी साथ में एक साथ हम लोग रहते हैं आदिवासी के साथ, सभी के साथ हम लोग न्याय करेंगे। जो भी हमारा आज के इस पाठशाला में आया है, हम लोग वन अधिकार अधिनियम के माध्यम से जंगल में रहने वाले जनजाति और मूलवासी को उनका सम्मान के साथ पट्टा दे हम लोग, और उसका साथ साथ हम लोग विकास से भी हम लोग जोड़ने का काम करेंगे, शिक्षा से भी जोड़ने का काम करेंगे। जंगल और शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र को ये किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होके हम लोग उस तरह से काम करेंगे ताकि एक दिन देश के अंदर झारखंड में एक विकास की ओर बढ़े, चाहे जंगल के बीच में रहे, चाहे जंगल के नीचे में, चाहे नदी किनारे हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, उनका जो अपना अधिकार के साथ रहने का उसको सुयोग मिले,
ये राज का दायित्व तो है कि सभी को देख के सभी तरह का ध्यान आगे पीछे सोच के ही योजना को तैयार करना, हर समुदाय को सम्मान से जीने का। आज तो विशेष करके हम लोग का कैसला है वन अधिकार अधिनियम, उसका बीच से जंगल के बीच में जो भी गांव है, जो भी परिवार है, उसको उसका आवेदन क्यों रद्द हुआ, कोई जान और जान की कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसका ऊपर में राज्य सरकार कार्रवाई करने के लिए कदम उठाएगी। अनजन से अलग बात, लेकिन जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को अपना करके जितना जल्दी हम लोग काम को आगे बढ़ाएं। अब मेरा विश्वास है कि आज का कैसला से हम सब निश्चित रूप से एक झारखंड के लिए इस तरह से काम करेंगे जो एक दिन इतिहास के पन्नों में एक शब्द जरूर लिखा जाएगा। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूँ। जोहार। जंगल हमारा देश इस अभियान की शुरुआत की गई है मुख्यमंत्री चांपाई सोरेन की तरफ से, ताकि आदिवासियों को उनका हक अधिकार मिल सके।